बिहार से अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए 40 से अधिक ट्रेनों का संचालन आज से शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं कौन से रेल मंडल में कौन सी ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा और उसी दौरान सभी ट्रेनों की लिस्ट की बात भी हम करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। पिछले कई दिनों से अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन की वजह से बिहार से चलने वाली बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जिनका संचालन कैंसिल हो रहा था और इससे पैसेंजरों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हवाई किराया भी आसमान पर पहुंच गया था और अब धीरे धीरे आंदोलन थमने के बाद रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दोबारा दी है, जिसमें से बिहार से होकर चलने वाली और बिहार से चलने वाली लगभग 40 से अधिक ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। इनमें से कई जोड़ी ऐसी भी ट्रेनें जो कि लंबी दूरी को जाती है, जो कि महत्वपूर्ण ट्रेनों में इनकी गिनती आती है। आइए एक एक करके सभी ट्रेनों के लिस्ट की बात करते हैं। दानापुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन को हरी झंडी मिला है, जिसमें कि दानापुर आनंद विहार टर्मिनल, जनसेवा और जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन और सिकंदराबाद के लिए दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी मिला है। वहीं पटना से चलने वाली ट्रेन की डिटेल्स की बात करें तो पटना से एर्नाकुलम, पटना से सिंगरौली और पटना से शालीमार के साथ साथ पटना से लोकमान्य तिलक और हावड़ा जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन को हरी झंडी मिल चुका है। राजेंद्र नगर से बात करें तो राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, इसके अलावा नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन और राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। अब बात करते हैं दूसरे रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर रक्सौल से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रक्सौल रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के बीच सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ रक्सौल से हावड़ा के बीच चलने वाली मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी मिल चुकी है। जयनगर से चलने वाली ट्रेन की डिटेल्स की बात करें तो जयनगर से नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन, जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन और जयनगर मनिहारी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर से चलने वाली ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली मुजफ्फरपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन और मुजफ्फरपुर से भागलपुर के बीच चलने वाली भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। वहीं गया से नई दिल्ली के बीच चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाया गया। उम्मीद करते हैं कि जिन ट्रेनों का संचालन अब भी देखने को नहीं मिल रहा उन ट्रेनों का संचालन भी दोबारा देखने को मिलेगा। वहीं सहरसा से नई दिल्ली के बीच वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन को भी हरी झंडी मिल चुका है। इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।